हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बड़ी बनाने से। तो मेरा देखिए बड़ी बन रहा है, गर्मा गर्म बड़ी। तो आज है दुर्गा पूजा का 9वां दिन, जिसे महानवमी भी कहा जाता है। तो आज मैं प्रियंका को इसके ससुराल के सारे दुर्गा मंदिर को घुमाने वाला हूँ। थैंक यू। तो आज की वीडियो एकदम खास होने वाली है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रूट्स काट रही है प्रियंका। अब मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेता हूँ। अपना खाने से पहले मैं पहले भैया को दे आता हूँ। हेलो नॉट एप्पल, देखो एप्पल। दल जी बाबू खेल रहे हैं चाचा जी के साथ, पडू पडू कर रहे हैं। आज दल जी बाबू पडू पडू कर रहे हैं। एप्पल वो तो है, ग्रेप्स पियर। देखिए अभी दस बाबू का पढ़ने का समय है, अपना टाइम के अनुसार वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। हमारे यहाँ अष्टमी और नवमी को माँ जी कुमारी भोजन कराती हैं, तो कुमारी आ चुकी है। मैं उसका पैर धो के फिर आलता लगा रही हूँ, उसके बाद माँ जी खुछा देगी और फिर अभी कुमारी को खाना खिलाया जाएगा। तो कुमारी खा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। देखिए मम्मी को एसी लगने लगता है, मम्मी गाड़ी पे नहीं चढ़ना चाहती है, ये घूंघट ओढ़े हुए है। भैया गाड़ी चला रहे हैं और दलज बाबू भी गाड़ी चला रहा है। दलज बाबू गाड़ी चलाइए। गाड़ी कैसे चलाया जा रहा है, आप तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। हाँ, बड़का ब्लॉगर आप बन जाइएगा। हाँ, मस्त गाड़ी चला रहे हैं दलज बाबू। देखिए हैंडल को पकड़े हुए हैं। आगे देखिए दलज बाबू, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा ना, आगे नहीं देखिएगा। तो देखते हैं कौन मंदिर चलते हैं। बसंतपुर मंदिर जा रहे हैं सबसे पहले। दिन में ही जा रहे हैं, मुझे पता है दिन का व्यू अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को देखने में, तो कोशिश करूंगा रात का भी व्यू आप लोग को दिखाने की। बसंतपुर मंदिर हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका गेट। यहाँ मेला सब लगा हुआ है गोलगप्पा वाला। माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में अभी जलेबी ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ की सजावट दिखा देता हूँ। तो ये रही मेन गेट, जिसकी सजावट बहुत ही अच्छी की गई है, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। फूलों से सजावट की गई है, आर्टिफिशियल फूलों से। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर चलते समय लेफ्ट साइड में आपको एक टेबल दिख रही होगी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं। जो भी श्रद्धालु गणाते हैं अपनी स्वेच्छानुसार यहाँ पर कुछ मनी दान पुण्य के रूप में देते हैं। और ये रहा मेन इसका गेट, जो है मंदिर का मेन गेट, जिसकी सजावट भी बहुत अच्छी की गई है फूलों से। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर में भी यहाँ पे गेट को सजाया गया। मेरी माँ और प्रियंका अब मंदिर के अंदर जा रही है पूजा करने के लिए। तो देखिए अब भीड़ इकट्ठा हो गई है। मैं पहले ही उतर कर यहाँ के सजावट का सीन ले लिया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। देखो जय जय। यहाँ घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं। बहुत गर्मी लग रही थी, लग रहा है रूम ही चले जाएंगे, अब नहीं घूमेंगे। दर्द बाबू डमरू खरीदा है। देखिए दर्द बाबू के चाचू खरीद दिए हैं डमरू। कहा दर्द बाबू डमरू कैसा लगा? देखिए दर्द बाबू डमरू है। सीटी नहीं बजता है डमरू में, हम तो पसीना पसीना हो गए हैं। इतना मंदिर में गर्मी लग रहा था, भीड़ भी खचाखच भरी हुई थी। तो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, रूम जाते हैं कि दूसरे मंदिर जाते हैं। तो अभी बैठे बैठे प्रोग्राम बना है हम लोगों का कारगिल चौक जाने का। तो देखिए अब कारगिल चौक जा रहे हैं। एयरपोर्ट होते हुए आपको एक वीडियो में एयरपोर्ट का सीन आपको दिखा होगा, तो आज फिर दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़दीक जाके। देखिए यही गेट है एयरपोर्ट के अंदर जाने का। ये हम लोग के टाउन का छोटा सा एयरपोर्ट है
और ये देखिए एयरपोर्ट का, नहीं दिखेगा, देखिए एयरपोर्ट लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई देगा, देखिए अब कारगिल चौक की तरफ हम लोग इंटर कर रहे हैं। देखिए आपको दूर से मंदिर दिखाई दे रही होगी, देखिए कारगिल चौक लिखा हुआ है। और ये रहा मंदिर बाहर से, ये मंदिर भी अच्छा सजाया जाता है। मम्मी को घुटनों में प्रॉब्लम है तो इसलिए उनको सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे प्रियंका मम्मी को सहारा दे के चढ़ा रही है और नीचे उतार रही है। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग यहाँ के सजावट का आनंद उठाइए। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का भी बैनर लगा हुआ है, तो देशभक्ति यहाँ पर दिखाई जा रही है। इस चौक का नाम ही है कारगिल चौक, तो यहाँ पर हमेशा देशभक्ति से रिलेटेड कुछ न कुछ लगाई जाती है, बैनर या मूर्तियाँ। देखिए आगे में यहाँ पे दो सोल्जर को भी लगाया गया है, जिसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। तो चलिए अब आप लोग को यहाँ के मूर्ति का दर्शन कराता हूँ। बाबू अपने चाचा के पास है, जय माता दी बोल। आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ ब्लैक कैट कमांडो को, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। पूजा ख़त्म करके हम लोग जा रहे थे तो प्रियंका बोल रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो लीजिए। बाय बाय कारगिल चौक, बाय बाय, फिर अगले साल मिलते हैं। दर्ज बाबू ले, आप तो दमलुए से खेलते रहते हैं खाली, होती 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 होती। लिटरली अब बहुत गर्मी लग रही है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। गाड़ी के अंदर आते हैं ठंडी लगने लगता है, गाड़ी से बाहर जाते हैं गर्मी लगने लगता है। दोपहर में घूमना नहीं चाहिए कहीं भी, अब पक्का 100% रूम जा रहे हैं। देखिए यहाँ का मेला सब, 2-1-3 इधर एक दुकान है, इधर खिलौने का दुकान है, 5-7 को दुकान है सिर्फ यहाँ पे। ये हम लोग के रूम जाने का रास्ता है, देखिए ये यादव टोला है। दर्श बाबू चला गया है अपनी मम्मी के पास, बहुत देर हम लोग के पास रहा। हाँ दर्श बाबू क्या हो गया, यहाँ रह रहे थे तो आपको दिक्कत हो रहा था क्या, आए कोई दिक्कत है, अब तो रूम जा रहे हैं, अब रूम में आराम से फिर से छो जाइएगा, सो के तो उठ गए हैं फिर छोइएगा, खाका करिएगा। देखिए 2 बज गए हैं, यही गली है, इसी गली में जाएंगे, इसी गली में हम लोग का रूम है। ये रही हम लोग की गली, और आगे एक भैंसिया खड़ी है, देख लीजिए भैंसिया को, भैंसिया इंतजार कर रही है हम लोगों का। और ये रहा मेरा घर, पहुंच चुके हैं घर, देखिए हम लोग आ गए हैं, लेकिन दर्श बाबू गाड़ी से नहीं उतरने का नाम ले रहा है। दर्श बाबू कह रहा है कि हम गाली में ही रहेंगे, चलिए दर्श बाबू जाओ, चलिए मम्मी बुला रही है, चलिए नहीं चलिएगा, देखिए गाड़ी से उतर ही नहीं रहा है, चलिए दर्ज बाबू, चलिए ना दर्ज बाबू, आगे जाइएगा, अब आगे जाइएगा, जाइए चाचू बुला रहे, जाइए 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 जाइए। देखिए दर्ज बाबू उतर ही नहीं रहा है, हल्ला कर रहा है कि नहीं जाएंगे, चलिए ऐसे खेल रहा है, ले जा रहे हैं तो जाइए गाड़ी में बैठिए, लीजिए। मॉर्निंग में जो मैं बड़ी बनाई थी वही अब हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद मैं चली गई सोने, फिर उसी टाइम भैया भी आ गए हमको लेने के लिए कि चलो अब दुर्गा पूजा में वहीं पे घूमी भी नहीं हो। और फिर मैं बोली कि नहीं, मैं यहाँ पे एक दो जगह घूमी भी नहीं हूँ, रात में यहाँ देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं फिर बाद में आऊँगी। और रात वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि पार्ट 2 में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, बाय बाय। अरे रुकिए ना, हम भी जाएंगे, चलो।